कक्षा 6 हिंदी व्याकरण, मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 4 पत्र रचना का भाग 3 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पत्र की रचना किस प्रकार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा पत्र रचना में पिताजी को पत्र। पहले क्या है हमारा पिताजी को पत्र लिखना है, तो क्या लिखा जाता है पिताजी को पत्र? पैसे मंगाने होते हैं अधिकतर, तो पैसे के लिए पत्र कैसे लिखते हैं वो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ एड्रेस डाला होता है सत्ती बाजार रायपुर, दिनांक डाल देते हैं जो भी है 15/7/2024। इसके बाद यहाँ शुरू करते हैं पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। कल आपका पत्र मिला, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप सब भी आनंद से होंगे। यहाँ शाला में मेरी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। प्रधानाध्यापक बड़े ही भले व्यक्ति हैं, वे बालकों की कठिनाइयों को दूर करने में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं, मुझे तो उनका बहुत स्नेह प्राप्त है। इतना कुछ लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, पैराग्राफ चेंज करने के बाद किया जाता है। अतः खर्चे के लिए आपके द्वारा भेजे गए रुपए समाप्त हो गए हैं, कृपया 50 रुपए, यहाँ 50 रुपए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 500 रुपए, 1000, जो भी लिखना है आपको, इतने रुपए भेज दें। पूजनीय माता जी को प्रणाम, अनिल के लिए प्यार से शुभ। कोई भाई है तो उसके लिए प्यार भेजते हैं, छोटा देते हैं। उत्तर की प्रतीक्षा में आपका पुत्र, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है XYZ, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला पत्र आ रहा है बड़ी बहन को पत्र, ये दूसरे नंबर का है। बड़ी बहन को पत्र लिखना है, देखो बड़ी बहन को कैसे पत्र लिखा जाता है, ये आपका है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, गोल बाजार रायपुर, दिनांक अपना डाल दीजिए, जो भी 19/3/2021 वाली जो भी है। अब यहाँ पे आदरणीय दीदी चरण स्पर्श, बड़े है तो चरण स्पर्श लिखना है। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप सब भी आनंद से होंगे। आजकल मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, ईश्वर की कृपा से पर्चे अच्छे हुए हैं, विश्वास है कि पास हो जाऊंगा। परीक्षा समाप्त होते ही मैं घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। आपकी परीक्षाएं कब समाप्त होंगी अवश्य सूचित करें। माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श, राजू और मीनू को मेरा प्यार, जो भी छोटे हैं उनको छोटों को प्यार देते हैं। आपका छोटा भाई, और यहाँ पे नाम लिखना है जो भी है XYZ, नाम लिख लेंगे अपना। आगे चल रहा है मेरा मित्र को पत्र लिखना है, ये नंबर 3 है। मित्र को पत्र कैसे लिखा जाता है चलिए देखते हैं इसको, मित्र के लिए भी। तो सबसे पहले यही जगह लिखते हैं, जगदलपुर से लिख रहा है, ये दिनांक कहाँ है 3/5/2021 जो भी है 21 लिख दीजिए आप। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रिय मित्र वासु, नाम आता है यहाँ पे मैं सुधारा बच्चों, यहाँ पे नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र कल ही प्राप्त हुआ, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम यहाँ ग्रीष्म अवकाश में आ रहे हो, लेकिन भाई जून में ही क्यों, इसी माह में आओ ना। तुम्हारा पत्र समाप्त होते ही तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा हो गई है, मेरी माता जी भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। कह रही थी अब की बार हम लोग दंतेवाड़ा जाएंगे, वहां से 4 मील की दूरी पर एक गांव है, गांव का आदिवासी मुखिया मेरे पिताजी का परिचित है, उसने आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें अपना गांव बहुत पसंद है ना, इधर हमारे यहाँ के गांव भी देखना, आशा है तुम जल्दी आओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शेष शुभ है तुम्हारा मित्र। और यहाँ पे नीचे नाम लिखना है बच्चों, XYZ करके अपना नाम लिख देंगे, जो भी जिसका नाम है वो नाम अपना लिख सकता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका एक और है निमंत्रण पत्र कैसे लिखा जाता है, नंबर 4 है निमंत्रण पत्र। देखते हैं निमंत्रण पत्र को कैसे लिखना है। ये निमंत्रण पत्र है, आदरणीय महोदय, भगवान की असीम कृपा एवं आपके आशीर्वाद स्वरूप मेरे छोटे भाई प्रमोद कुमार ने पूर्व माध्यमिक परीक्षा में अपने संभाग में
प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में दिनांक जो भी दिनांक है वो डाल देंगे 27/6/2021 लिख देना है तो, और 5:30 बजे स्वल्पाहार आयोजन किया गया है जिसमें इष्ट मित्रों सहित आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। कृपया बालक का उत्साह बढ़ावें एवं आशीर्वाद दें। स्थान लिखना होता है कहां पर हो रहा है तो स्थान है नरेश भवन गोल बाजार रायपुर, और मिनट है जिसका भी है उसका नाम लिखना है। राकेश जैसे यहां पर राकेश नाम लिखा है आपको अपना नाम एक्सपरिजेंट जो भी है वो लिख सकते हैं, नाम की जगह आप अपना नाम लिख सकते हो। चलते हैं अगले जरा उसकी तरफ। तो ये क्या है आपका निमंत्रण पत्र हो चुका है। अब ये आपका अगला आ रहा है पुस्तक प्रकाशक को पत्र लिखना है। अब पुस्तक प्रकाशक को पत्र लिखते हैं तो पुस्तक मंगाने के लिए पत्र अधिकतर लिखा जाता है, तो देखते हैं पुस्तक कैसे मंगाई जा रही है। तो ये है आपका सबसे पहले अपना पता देना होता है पूर्व माध्यमिक शाला बड़ौदा बाजार दिनांक 13/8/2000 जो भी है 21/22 जो भी डालना है आपको यहाँ 21/22 जो भी संचालन। अब यहाँ शुरू होता है सेवा में श्रीमान व्यवस्थापक महोदय युगबोध प्रकाशन रायपुर, कृपया मुझे नीचे लिखी पुस्तकें VPP से भेजने की कृपा करें। VPP का बच्चों मतलब ये होता है कि अगर वो भेजते हैं तो उसमें उसका पोस्टल चार्ज होता है, पोस्ट ऑफिस का जो खर्चा होता है वो भी प्लस उसकी कीमत दोनों जोड़ करके पैसा डाक्टर ले जाएगा। इस हेतु मैंने 100 रुपए अग्रिम धनराशि यानी धनादेश मतलब चेक बोलते हैं इसको, ये धनादेश को क्या बोलते हैं चेक बोलते हैं, धनादेश द्वारा भेजा है। VPP करते समय उक्त राशि धनराशि बिल में से कम कर दें। पुस्तकें शीघ्र भेजने की कृपा करें। पुस्तक के नाम यहाँ लिखना जरूरी है जैसे माई ऐसे है एंड लेटर बुक इसकी 12 प्रतियां भेजनी है। दूसरा है माई ट्रांसलेशन एंड ग्रामर बुक एक है इसकी 12 प्रतियां भेजनी है, और नंबर 3 है मेरी व्याकरण पुस्तक भाग 1 15 प्रतियां इसकी। कुल जो है 39 पुस्तकें हैं। भवजी यहाँ लिखना है और यहाँ अपना नाम लिखना है एक्सपायर और साइन करना लिखना है। इस तरह से आप लोग पत्र को लिख सकते हो और पुस्तकों को मंगा सकते हो। अगले पत्र को देखते हैं जरा, ये जो है नंबर 6 है मित्र को बधाई पत्र लिखना है। बधाई पत्र मित्र को कैसे लिखेंगे जरा जान लेते हैं ये भी। अब यहाँ देखिए क्या है ये बधाई के लिए, सबसे पहले तो अपना एड्रेस यहाँ डालना होता है 10/75 सती बाजार रायपुर, दिनांक जरूर डालना होता है 26/6/2021 डाल दीजिए, यहाँ 22 डाल दीजिए, मर्जी आपकी जो भी संचालन अनुसार डाल दीजिए। प्रिय जनार्दन नाम यहाँ पे लिखना ना भूले। कल दैनिक नव भारत में तुम्हारा परीक्षा फल देखा, माध्यमिक परीक्षा में तुम्हारा जिले भर में प्रथम स्थान आया, देखकर अत्यंत खुशी हुई है। इस सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई तथा हार्दिक भावना है कि तुम्हें जीवन भर इसी प्रकार सफलता प्राप्त होती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिन्न मित्र, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे जो भी एक्सपायर होगा, इस तरह से नाम लिख करके उसको अपना परिचय भी देंगे कि हाँ मैंने ही पत्र लिखा है। और इसी के साथ आपका ये आज का भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है तो दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। ये बेल आइकन भी दबा देंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालू तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज इसके बाद केवल एक ही भाग और रह गया है, बस यही आपका व्याकरण समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे वीडियो को देखते रहिए।